चंद्रमा सेवक ने न जगो अष्ट पहर निरखत रहूं गुरु चरणन सरस्वती ने स्वर दिए है गुरु दिए अरे माता पिता ने जन्म दिए और रूप दिए स्वर में बैठो माँ सरस्वती और जिभिया में बैठो भूले अक्षर सुधारी हो गौरी के पुत्र गणपति चरण मनाएंगे भारत भाषा रचे सवल सिंह चौहान सवल सिंह चौहान मोर सवल सिंह प्यारा सतगुरु के दरबार हो बड़ा
भगवत भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। अपनी अपनी माता पिता गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज सना ना 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 भैया ये कथा सुने से आओ तो पाप कर जाते वाजी ये पाप के नाश हो जाते हां भैया ए ना नहीं हां राजा जन्म में जाए ना आओ ते कथा ला सुने पर लगा थे दे दे और दोनों हाथ जोड़ के कहे गुरुदेव आओ ये महाभारत की कथा के पहली हां बोले पांचों पांडव के वंश के नाम बता देते हो वाह भाई पांडव के कथा का वंश है हां चलो मैं वो जान लेते हूं ए ना नहीं हां गुरु वैसा पाए मुनि है ना पांचों पांडव के वंश के नाम बतावा थे बतावा थे भैया मैं आप मन से भी निवेदन करत हूँ कि पांडव के वंश के नाम ला जरा ध्यान से सुनो खबर की मैं तीसरा बार बता दू अब एक बार आप मन बताना है मैं केठो वंश के नाम बताऊ थे कृष्ण के पुत्र मारिच 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 के पुत्र सुरसभा 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 के पुत्र स्वयं नक्षत्र के पुत्र बुद्ध 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 के पुत्र नाहुस 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 के पुत्र अनुपम 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 के पुत्र सरजति 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 के पुत्र प्रजामा 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 के पुत्र भोज 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 के पुत्र भरत 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 के पुत्र माजवी 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 के पुत्र ब्रह्मा 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 के पुत्र विष्णु सुता जय हो विष्णु सुता के पुत्र सोमन 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 के पुत्र संतानु संतानु विचित्रवीर के पुत्र पांडु 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 के पुत्र अर्जुन 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 के पुत्र अभिमन्यु 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 के पुत्र प्राक्षित प्राक्षित और प्राक्षित के पुत्र है राजा राजा जनमेजय हरे जी ये देव भाई की तरफ से भगवान के चरण कमल में 50 रुपए सादर अर्पण हो है भगवान ओकर जीवला सदा सुखमय बना के रखे सदा मंगलमय बना के रखे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय देखो भैया राजा जन्मेजय भाई कैसे सुन
सुंदर ढंग से। हाँ जी। यमुना नदी के किनारे में आओ। गुरु भाई सपा मुनि कर ले। हाँ। कथा सुना था वह वो रामे 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 मोरे रामे रामे भाई पाचो ये पांडव के कथा ला कहो कावो पाचो ये पांडव के कथा ला कहो काजी प्यार के साथ में आओ चर्चा करत हवे वो ये दे भाई ए नानी हां राजा दुर्योधन है ना आओ ते पर राजमहल में हां जी बड़े ठाट बाट के साथ बैठे रहे अच्छा 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 और देखे चारों तरफ सेना मल्ला आओ और चारों तरफ देख के कहे वाह भैया कि सब सही में तो आगे है आगे है पर हे द्रौपदी आओ द्वारिका नाथ से खबर नहीं दियो ने नहीं दे हमें भैया तो आप एक काम करो आओ आज ही निकल जाओ निकल जाओ अब न्योता देके हाँ बलराम कृष्ण ले आ जाओ भैया है ना नहीं हाँ राजा दुर्योधन है ना हाँ भाई ते चल के अपन घोड़ा रथ ला सजावे सजाओ आए अपन घोड़ा रथ में बैठ के हाँ द्वारिका पर प्रस्थान करे टपटी पर घोड़ा राजा दुर्योधन है ना हाँ ते अपन घोड़ा रथ में बैठ के हाँ जी और वे एक रथ दौड़ाते हुए हाँ द्वारिका में जा पहुँचे तो सही ले ले। पर श्री कृष्ण जी है ना हाँ ते राजा दुर्योधन लाते हुए देख के ये ले और चादर तार सोगे और वो देखी तो कथे कन्हैया सोए है हाँ और सोए नहीं जगाना ठीक बात नहीं नहीं ऐसे कह के आओ आगुड़ा कुर्सी रीस ना हाँ भैया खींच के पाछे हम रख दीस रख दी अब अपन गोड़ हिलावत राजा दुर्योधन बैठे ये भजन है का है तोरो पर बिहावनी हो है नोनी है अब ऐसने ना तहु जन उठावे तो आदमी सुते रहते लग हाथ वो मैं का बनी उठाऊं मोर पर थोड़ी ना है अच्छा तो कैसे शिक्षा दे था सोई नहीं ला उठाना गलत बात है की के आई तोर बार इसने कर बे तो ते अमल कर ले बे कहू है ओ भगवान के बात है हां भगवान काम करके थक हम कहां जाने इंसान लग हेलो समझना है आए शिक्षा प्रदान करा था और ते इसने बुतल कर बे तो गाड़ी नहीं खावे वो है और तोर घर वाला उठी तो ला चाय हिल दे दी गाल हलाल बाल हो जाए ओ मतलब चाय हिल दी तान में राह हिल नहीं दे दू तो ला पूछो दाई दादा मन सबो झन सुना थे मोर खंडिन ला कौन भी हाव करही बता मोर बर कतनो है ते टेंशन मत ले कर अच्छा तोर बर कतनो है कौन कौन ला सेटिंग कर डाले हसिया भाई बोल कौन ला सेटिंग करे जरूरत नहीं है कैसे मैं की सारा करूँ नाना तोला निकाल दी मोला राख देखे मोरे तो हम उतार के दाई तो ते मोरे कोटी हपड़ पे तो मैं कूदूंगी घर पर देखे तो
सब जन हंसा थे, मने कहा थे बहु मन हाँ अब डोकरी ढाकरी हो गए, अब फेंक दे हमार पूनम दाई बने रही कहा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कन्हैया तोरी मंजी बाजे, ठीक बात नहीं है ऐसे कही। अच्छा 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 अच्छा, राजा दुर्योधन अपन गोल ले हिलावत बैठे बैठे हैं, और वो तरफ ले बलधारी अर्जुन हाँ रथ घोड़ा दौड़ाते बड़ा प्यार के साथ पहुँचे पहुँचे, और जाके रुक्मणी ला पूछने लगे, दीदी ये दे कन्हैया है कहाँ। रुक्मणी बताते भैया सोए है अंदर में सोए है। सुन के राजा दुर्योधन वाह भैया पहली के बैठे हवा, और वे तरफ बलधारी अर्जुन जब पहुँचे वाह भैया जाके पैर के नीचे अर्जुन बैठी सेनानी हाँ। मार अटियावा श्री कृष्ण जी उठ गए भोला ला पूछे पार्वती कुणाल गोस्वामी भूपेंद्र गोस्वामी और शत्रुघ्न गिरी गोस्वामी एक तरफ से 20 रुपए का सम्मान रसिया है आप सब झल कोटि कोटि धन्यवाद। आप मतलब भगवान सदैव मंगलमय जीवन प्रदान करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मैं अब बड़ा था फुलझर गांव में फिर एक जन आदमी मोल तलाश है श्रीमान भागवत गोस्वामी के ओकर से मोला मिलना है कि के सोचतो फिर एक को बार नहीं हम रहा हूँगा बोला काबर वह मोर चाचा ससुर के मित्र हरे और कते कर है ओकर घर हते में देखे भी नहीं हूँ। उठ के
उठ के कथे अर्जुन। अच्छा, अरे तय का पैर क्या है? आए हाँ। कैसे मोर पैर के नीचे बैठे है? बैठे हस भैया। अर्जुन कन्हैया लगते कन्हैया। हाँ कथे। मैं भिज्जे आए हो? हाँ। वो आप जागे हो आपे के दर्शन पाए हवा। ये देव भाई अतना सब लोग कौन सुनत रहते? कोने भैया? राजा दुर्योधन। हाँ। वो सुन के कथे ए कन्हैया दे दे भक्केदारी भन्ना के का भज नहीं तो कैसे होकर आरती उतारी। तब के तारी भगवान मुरलीधर कन्हैया है ना? अच्छा ते लहूट के देखे कथे ये दे भैया। अरे कुरुपति हुआ है? हाँ। वाह मैं कब के आके बैठे हो? अच्छा समझ गए ना। हाँ। बोला करीब करीब एक घंटा हो गए। अच्छा अच्छा वो अभी आए। हाँ। बोला कब के आए अर्जुन? कैसे आए अर्जुन? मैं पहले बैठे हो तो नहीं दिखा थे का? नहीं दिखा था वे भैया। भगवान कथे। हाँ? अरे भैया मोर पीछू डारो हुआ की नहीं है? नहीं है। आगू डहा राखी तो अर्जुन भला देखे हो? हाँ? और तो हुआ के तो हूँ देख डरे ये भज नहीं काए ओकरे सच्ची में तोला कथा वो काए कथस वो तहू लहूट लहूट के हम मल देखा रहा ते दू ठन आखी लगा लेते पाछू डहन तो हम मल देखते कथा वो ते नहीं जाना थस ना? नहीं जानो वो ते गेरे से तीन दू ठीन कथस मोर पाछू डहर एक दर्जन आखी है कदे कर रहे हो? अबे तुल गिनवात गिनवात थक जाऊ तो गिनत गिनत थक जबे। अच्छा। तब हो बता देत हो। हाँ? दूठन ढोलक मास्टर के आखी दूठन बेंजो मास्टर के आखी दूठन पेटी मास्टर के आखी अरे बाप रे आखी दूठन गोला मास्टर के आखी दूठन तबला मास्टर के आखी और दूठन तोरा आखी हो गई नहीं एक दर्जन और तोरा आखी सन में मोरा आखी सन में 14 सात दूनी 14 और तोर घर वाला का नाम रही बहुदा तेला बड़ चिंता हो जाते मोर घर वाला की का का कर पे अब बहन का मान मानो तब उसने नहीं कहूं तब कैसे बनी वो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की मोरी गैया के चरैया कहां वो ही रे अब तो कहां वो ही सियारा दुर्योधन। अच्छा 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 तई हां आए काय बात बर हस का बात बर आए हस भैया तेला मोला बता दे बता दे। दुर्योधन कथे में हने उता देवर आए हो? का काम है तुहर घर काय पूजा होवा थे ने उता आए हस भैया ये दे भाई कई पूजा पाठ बर नहीं होए? कैसे जी लड़ाई करे बर हरे। अच्छा भगवान मुरलीधर कन्हैया है ना? हाँ। ते अर्जुन के तरफ देख के कहे अर्जुन वाह भाई तय काय करे पर आए हस? अच्छा अर्जुन कहते कन्हैया हाँ महू तो लनेवता दे पर आए हो? अच्छा भगवान कथे का कहते भैया बहुत सुंदर बात है बात है और दूधी जन नेवता दे भैया नेवता दे भैया अति सुंदर परम सुंदर है भैया और दूधी जन नेवता दे भैया। हाँ भाई फिर मैं एक जन हूँ एक जन अकेला हूँ जी।
तो तुम एक काम करो। का काम है भैया? मैं बंटवारा कर जाऊँ। हाँ अपन अपन बारे ले। हाँ। जो जो रुचि आही। अच्छा जो पसंद आही। हाँ। उही ला लेके चले जाओ। चले जाऊ भैया। राजा दुर्योधन कथे। हाँ हाँ बोला का बोला था तेला। ये जे भगवान कथे। हाँ एक काम करो। वाह भैया एक तरफ मोर पूरा सेना सेना है समझ गए ना। अच्छा और एक तरफ मैं अकेला अकेला। हाँ वो भैया ये दे भाई जे जान पड़े तो लेगो। हाँ इतने मोला छोड़ दे भैया उस सेना ला लेके चले जा। चले जाओ जी भाई। राजा दुर्योधन है ना। हाँ कथे का कथे भैया। एक नैया। अच्छा बोला पूरा सेना चाहिए। चाहिए आपला नहीं तोला लेके जाके। हाँ। दाल भात खवाना है का? खवाना है का? वो हमें लड़न नहीं बोला था। नहीं लड़न बोला था भैया। और बिना लड़ने वाले ना। हाँ बोला नहीं चाहिए। नहीं चाहिए सावन बिना बिजली ना चमके भैया। सेना चाहिए। चाहिए भैया तोला नहीं लेके जाऊं मैं। हाथ नहीं ले वो कहा थे भैया। ये सब लहोत कौन देखत रहते? अर्जुन सुना थे वो। अब अर्जुन अपना सब ला सुनत ना। हां अपन मन में का सोचत बताऊं? का सोचत थे मुझ नहीं दुर्योधन। हां ना राम नाम लीन हो ना कृष्ण नाम लीन हो तूने भरी जवानी में जा डूब के मर जा रे रोहा। तू डूब के मर जा रे सामने से तो बोल नहीं सके। बोल नहीं सके सही बात है भज नहीं। अपन मने में इसने गारी दे थे। गारी देवा थे मन में भगवान असन पार ब्रह्म परमेश्वर असन लता नहीं जाना सतरे दुराचारी। तो भगवान मुरलीधर का नहीं है ना। हाँ
दृष्टि अर्जुन के तरफ मधुर मुस्कान कर कर के भैया और देख के कथे अर्जुन हाँ कैसे कैसे ते का कर बे तब का कहा थे भज नहीं का कहा थे मेरे सिर पर रख दो मोहन अपने ये दोनों देना है तो कथे अर्जुन का कथे भैया दोनों हाथ जोड़ के कथे कन्हैया वाह भाई बोला सेना वो हाथी घोड़ा की कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल तो छत्र छाया की जरूरत है कन्हैया मात्र बोला तोला चाहिए चाहिए भैया हाथ जोड़े बिन करी के बोला तेरा सेना हाथी जोड़ना चाहिए हाथ जोड़े बिन करी के बोला तेरा सेना हाथी जोड़ना चाहिए देखा रहूं कि कब ना वाजी बात है भैया भोले तू ही चला लेके जा।